Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodove School of Physics. In this video, I am going to discuss about electrostatics. और ये electrostatics का second part है. Okay, first part में मैंने आपको बताया था कि electrostatics दो words से बना होता है. Electrostatics, electro का मतलब charge, statics का मतलब rest. और इलेक्ट्रोफिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट में रखकर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके कारण जो फील्ड क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि चार्ज के बारे में, चार्ज जिसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और जिसका CGS यूनिट फ्रैंकलिन होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हैं. और एक कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3×10⁻⁹ ESU होता है. 3×10⁻⁹ कितना होता है? 9 ESU, या इसको ESU को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, या इसको 1/10 AB कूलम्ब भी लिखा जाता है. AB कूलम्ब. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? चार्ज का CGS यूनिट है. ठीक है, और इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको EMU भी कहा जाता है. 1/10 EMU. ABC मतलब AB कूलम्ब को EMU भी कहा जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ये चार्ज का. तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है. तो इसमें मैंने तीन प्रोसेस बताया था. फ्रिक्शन के द्वारा दो ऑब्जेक्ट को रब करने पे आप उसको चार्ज कर सकते हैं. इसमें दोनों इंसुलेटर होना चाहिए, कम से कम एक इंसुलेटर होना चाहिए. और फिर हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो इसमें दोनों कंडक्टर होना है, और दोनों को या तो आप टच करो या तो दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करो. एक पे यदि चार्ज है तो दूसरा भी चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे. ये हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में. ओके, फिर हम लोगों ने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन. इसमें क्या है, टच वच कुछ नहीं करना है, और चार्ज को दिखा के चार्ज कर दो ऑब्जेक्ट को. ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था. ये आप पिछला वीडियो देख सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो शुरू का जो पोर्शन है, पार्ट है, वो थोड़ा हल्का सा बोरिंग है. ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको कंप्लीट NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हूँ. तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, जिनको चार्ज के बारे में एक तरीके से वो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो फर्स्ट मेरा वीडियो बनाया हुआ है. ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा. इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो करने वाले हैं, वो जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक, और जैसे एक दो और पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जनरली क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल. और अल्फा पार्टिकल, अब जैसे क्वेश्चन में यदि अल्फा पार्टिकल यूज हो जाए तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं. तो इस कारण से मैं अल्फा पार्टिकल का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का मास बता देता हूँ. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, क्यू ऑफ अल्फा, डेट इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन. किसके? प्रोटॉन के चार्ज के 2 गुना होते हैं. इसका मतलब ये क्या हो गया, 3.2×10⁻¹⁹ कूलम्ब हो गया. ओके, और इसका जो मास होता है, 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है. और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो 4×1.67×10⁻²⁷ kg, मैं किलोग्राम में लिख रहा हूँ, SI यूनिट का यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, 4 times हो गया. ठीक है, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल को क्या कहा जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस. और हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होता है. तो 2 न्यूट्रॉन का मास, 2 प्रोटॉन का मास, मास क्या हो गया, 4 गुना. और चार्ज क्या होता है, डबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का डबल होता है. ठीक है, तो ये हो गया 3.2×10⁻¹⁹ कूलम्ब. ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको जानना जरूरी था. ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं
कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि चार्ज जो है ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मान लीजिए कि इस बॉडी पे क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है आइडेंटिकल हो, अलग तरह का आइडेंटिकल होगा तो बराबर बराबर चार्ज बांट लेगा। दोनों का यदि ताकत आइडेंटिकल यदि होगा, दोनों ऑब्जेक्ट यदि सेम मटेरियल का बना हो, ठीक है, सेम साइज सेम वॉल्यूम यदि है, तो दोनों क्या होगा, बराबर बराबर चार्ज बांट लेगा एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये जैसे दो ऑब्जेक्ट है और कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, निश्चित तौर पर कंडक्शन के लिए कंडक्टिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। अब ये दोनों चार्ज बांट लेगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे Q1 चार्ज आ जाएगा, इस पे Q2 चार्ज आएगा, और यदि समेशन की बात कीजिएगा Q1 प्लस Q2 का वैल्यू Q होगा। ये बराबर भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, यदि ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो जाए तो। अच्छा, एक पॉइंट और, यदि दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाए ना, जैसे दो न्यूट्रल नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन कंडक्टिंग, दो नॉन कंडक्टिंग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को रब किया जाता है तो एक से दूसरे पे चार्ज चला जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इससे इस पे क्यू चार्ज चला गया, तो इस पे कितना चार्ज बचा, ठीक है, निश्चित तौर पे माइनस क्यू, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा, इससे इसमें गया होगा, तभी तो ये निगेटिव चार्ज हो गया ना, ठीक है। तो इसका वर्क फंक्शन यदि W1 है, इसका वर्क फंक्शन यदि W2 है, तो किसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है इसका वर्क फंक्शन W1 जो होगा इसका, ये क्या होगा, कम होगा W2 से, W2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। दोनों क्या था, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट या नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट था, तो जब दोनों को रब किया गया तो दोनों ने एक दूसरे, मतलब एक पे चार्ज क्यों चला गया, तो दूसरे पे क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस क्यों हो जाएगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट, दोनों एक्चुअली थ्रू में न्यूट्रल था, है ना, तो ऐसा कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात मैं करता हूँ, चार्ज के पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है कि ट्रांसफरेबल नेचर होता है चार्ज का। पहला जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है चार्ज में, एक ट्रांसफरेबल नेचर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, सेकेंड में है कि चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन इसमें आइसोलेटेड सिस्टम होना जरूरी है। चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। अब यह आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, जैसे ये यूनिवर्स, हम लोग का जो ये यूनिवर्स है ये अकेला है, आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। मतलब आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि ना कुछ भी उससे अंदर आए ना उससे कुछ बाहर जाए, ऐसे सिस्टम, ठीक है। तो यूनिवर्स में आप कोई भी पत्थर फेंको ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है, तो वो तो ये यूनिवर्स में ही रहेगा ना, ठीक है। तो चार्ज भी ट्रांसफर यदि होता है तो ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में होगा, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट तो इस यूनिवर्स में ही रहेंगे, तो नेट चार्ज ऑफ अवर यूनिवर्स जो है ये कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन कहाँ पे लगेगा, यदि सिस्टम आइसोलेटेड हो, ठीक है। ऐसे केस में चार्ज कंजर्व होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले क्या था कि दो इलेक्ट्रॉन था इस सिस्टम में, एक प्रोटॉन था, फिर क्या हुआ कुछ देर के बाद देखा गया कि तीन इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है, ओके। फिर कुछ देर के बाद देखा गया कि यही सिस्टम लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो नेट चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नेट चार्ज इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेट चार्ज इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और नेट चार्ज इस सिस्टम का क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो नेट चार्ज ऑफ अवर सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, चार्ज जब भी एसोसिएट होता है तो मास के साथ एसोसिएटेड होता है, विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास होता है ना, तो चार्ज जब भी एसोसिएट होगा तो मास के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर चार्ज कुछ नहीं था, जीरो चार्ज था, आपने इसको निगेटिव चार्ज कर दिया, इसको क्या कर दिया आपने, निगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। इसका मास m था पहले, बाद में इसका मास m1 हो गया, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को
आपने पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो इसका मास m2 हो गया, ओके। ये m ऑब्जेक्ट है, इस पे जब इसको जब आपने नेगेटिव चार्ज किया तो इसका मास क्या हो गया m1, इसको जब आपने पॉजिटिव चार्ज किया है तो m2। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरीके से सजाना है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के आने से ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज बॉडी जो m1 हो गया है, m1 निश्चित तौर पे हैवी होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, और m2 जो होगा वो सबसे कम होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से m1 सबसे ज़्यादा हैवी होगा, m2 जो होगा सबसे ज़्यादा लाइटर होगा, ठीक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो m2 बन जाएगा, यदि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो m1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, ये पॉइंट मैंने इसमें बताया है, इस प्रॉपर्टी में बताया, ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया था ट्रांसफरेबल नेचर होता है चार्ज का, सेकेंड प्रॉपर्टी बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था सेकेंड प्रॉपर्टी में, और थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं, चार्ज जो होता है इनवेरिएंट नेचर शो करता है। इनवेरिएंट नेचर क्या है, देखिए चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो उसके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या मास स्पीड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है मास के लिए, एम इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसका मतलब है यदि ऑब्जेक्ट वी स्पीड से चल रहा होगा तो उसका मास एम होगा। एम नॉट क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास। एम नॉट क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास, मतलब ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उसका मास एम नॉट है, यदि वी स्पीड से चल रहा है तो एम है। यदि स्पीड बढ़ेगा, इफ वी इंक्रीज देन क्या होगा, मास भी बढ़ेगा, मास भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्पीड के बढ़ने से मास भी इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। दैट प्रॉपर्टी सेड टू बी इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और सीखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सुनिएगा, अभी मैंने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन उस पर जुटेगा तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा, ओके। क्या इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ओके। तो जब उसको फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसके होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, ठीक है। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पे n इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस n ही हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यदि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से n इलेक्ट्रॉन आपने खींच लिया, निकाल लिया, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस n ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, इंटीग्रल मल्टीपल। ये n जो है इंटीजर है, ठीक है, जिसको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ये इंटीजर है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब के चार्ज की बात करते हैं ना, तो फिर क्वांटाइजेशन की बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यदि 1 कूलम्ब चार्ज की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम्ब चार्ज आ गया, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज आ गया, तो आप देखिए कि कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसे निकाला जाएगा कि उस पर 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो q इक्वल टू एनी कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, एंड का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁹। 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है तो ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम्ब चार्ज आ गया है,
ठीक है। इसका मतलब यदि ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें, मतलब 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया, 3 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो वहां पे फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन यदि कम भी जाएगा तो भी उसको 1 कूलम्ब ही लेना है, या 1-2 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर चेंज कर गया फिर भी आपको 1 कूलम्ब ही सोच के चलना है। फिजिक्स ऐसा ही है। फिजिक्स में क्या है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि कोई वैल्यू 0 आता है तो 0 का भी अपना इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में इनफाइनाइट और 0 इन दोनों का मतलब है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका घर आपके कोचिंग से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो आप तो ये नहीं कहोगे ना कि 5 किलोमीटर 400 मीटर 75 मीटर 22 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे, जो छोटा छोटा वर्ड छोटा छोटा टर्म है, सेंटीमीटर वगैरह, मीटर जो छोटा फ्रैक्शन 75 मीटर 74 मीटर, उन सबों को नेग्लेक्ट करके चलोगे। और नेग्लेक्ट किसको किया जाता है, 0 को। मीन्स फिजिक्स में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप देखिएगा, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वहां पे अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात, चार्ज के बाद बात होती है कि चार्ज कौन कौन सा फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो याद रखिएगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चार्ज यदि रेस्ट में है, रेस्ट में यदि चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यदि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। लेकिन चार्ज यदि एक्सलरेट कर रहा हो, एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब लगेगा कि एक चमकता हुआ पार्टिकल मूव कर रहा है। एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या दिखेगा कि वो चमक रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था चार्ज का, कि चार्ज कौन कौन सा फील्ड क्रिएट कर सकता है। अच्छा, किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज दिया जाता है, ये मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज दिया जाता है वो उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देयर आउटर मोस्ट सरफेस। आउटर सरफेस, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ का रेडियस R1 है, यहाँ का रेडियस R2 है, ठीक है, यहाँ का रेडियस R1 है, यहाँ का रेडियस R1 है, यहाँ का रेडियस R2 है, ओके। तो तब जब चार्ज आप इसको प्रोवाइड कीजिएगा, तो चार्ज जैसे आपने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया तो ये इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बढ़ के हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से रेडियस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के लोकल रेडियस पे। मतलब यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ के रेडियस पे डिपेंड करेगा, और यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो यहाँ के लोकल रेडियस R2 पे डिपेंड करेगा, और यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो यहाँ के लोकल रेडियस R1 पे डिपेंड करेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी कंडक्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। इसका मतलब है आप लिख सकते हो सिग्मा वन आर वन इक्वल टू सिग्मा 2 R2, ठीक है। यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा 2 लिख देता हूँ, यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा 1 लिख देता हूँ। तो सिग्मा 1 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 R2। यहाँ पे देखिए रेडियस कम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट, इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा 2 जो होगा बड़ा होगा सिग्मा 1 से, ठीक है। तो मैं ये आगे पढ़ाऊंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये हो गया चार्ज का
कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, चार्ज कन्फाइंड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, पॉइंट चार्ज का मतलब, मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज, चार्ज कन्फाइंड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज कन्फाइंड होता है उसको कहते हैं पॉइंट चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन, चीनी के दाना इतना बड़ा न्यूट्रॉन स्टार का मास, चीनी का दाना इतना बड़ा न्यूट्रॉन स्टार का मास हाथी के मास से ज़्यादा होता है, हाथी के मास से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उस चीनी के दाना में हाथी का जितना मास है वो कंसंट्रेटेड है, वो पॉइंट मास है। ठीक है, तो चार्ज कन्फाइंड इन ए स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज का मतलब था। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है या नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, तो ये सरफेस है, इस पर यदि यहाँ पे Q1 चार्ज दे दीजिएगा, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, तो जमा रहेगा, वो इधर से इधर ट्रेवल नहीं करेगा क्योंकि कंडक्टिंग तो है नहीं, तो कंडक्ट तो हो नहीं सकता इधर से उधर, तो जहाँ पे आप चार्ज दीजिएगा वहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सेकेंड है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या है, जैसे एक रॉड है, ये रॉड है मान लीजिए, इस पे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा आप, तो इसके लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे मान लीजिए आपने क्यू चार्ज दिया है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट कूलम्ब पर मीटर हो सकता है, हो सकता है। और इसका डायमेंशन क्या है, इसका यदि डायमेंशन आप लिखने की कोशिश कीजिएगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80, और लेंथ का L, तो ये क्या हो सकता है, L-180 हो सकता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। और इसको लैम्डा से, जनरली लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक रिंग है, रिंग है जिसके सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, इसका रेडियस आर है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो क्यू बाई 2πr। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, आधा रिंग है, कटा हुआ रिंग है आर रेडियस का, इस पे क्यू चार्ज है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, क्यू बाई पाई आर, ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, इस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, कैसे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो यहां पर तो लेंथ था ना, रॉड था, रिंग था, तो इन सबों में तो लेंथ होता है, एरिया तो है नहीं। ठीक है, तो एरिया वाला सरफेस, जैसे मान लीजिए एक डिस्क है, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड लेंथ ए है, या एक रिक्टेंगल है जिसका एक साइड ए है और दूसरा साइड बी है, ओके, इस पे यदि क्यू चार्ज दे दिया गया, इस पे क्यू चार्ज दे दिया गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इस पे चार्ज क्यू है और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को याद रखिएगा सिग्मा से डिनोट करते हैं। वैसे मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी बता रहा था कि किस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहां पे मैंने उसको सिग्मा से डिनोट किया था, तो ये सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको क्या लिखेंगे, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए बी। ठीक है, इसके यदि यूनिट की बात किया जाए, यूनिट की यदि बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है। इसका यदि डायमेंशन की बात किया जाए, तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन बताइए, चार्ज का 80, एरिया का L2, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन
एल माइनस टू 80। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज को एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाऊंगा तो इन सभी चीजों का यूज होगा वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि किसी कंडक्टर पे यदि चार्ज दिया जाए तो वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी चार्ज कूट कूट के बढ़ाओ, ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नॉन कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए कि स्फीयर है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, चार्ज इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, पूरा चार्ज भरा हुआ है, इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइंड होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जनरली रो से डिनोट करते हैं, और चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज बाय वॉल्यूम स्फीयर है तो क्या होगा? 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि क्यूब होता, ए साइड का क्यूब होता, ठीक है, ए साइड का ये क्यूब है जिस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? क्यू बाय वॉल्यूम, क्यू बाय ए क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि इसके यूनिट की बात कीजिएगा तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा भाई? कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इसके यदि डायमेंशन की बात कीजिएगा, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी एल माइनस थ्री, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।